तो दिल्ली हिंसा के बाद आज जुम्मे की नमाज के चलते दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट है। वहीं रामपुर संवाददाता ने अलर्ट का जायजा लिया। 2019 को रामपुर के अंदर एक बवाल हुआ था सीए और एनआरसी के विरोध में, जिसमें एक युवक को अपनी जान भी देनी पड़ी थी। आज रामपुर फिर हाई अलर्ट पे है। दिल्ली के अंदर हिंसा हुई थी, उसके बाद में लगातार पुलिस यहां पे गश्त कर रही है और हाई अलर्ट पे है। एडीजी जोन जो है वो मुरादाबाद देख रहे हैं और आईजी रमेश शर्मा संभल और रामपुर के लिए एक स्पेशल एडीजी भेजे गए हैं लखनऊ से, राम कुमार। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, चप्पे चप्पे पे फोर्स मौजूद है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामपुर की पुलिस लाइन पे, यहाँ से जो है फोर्स निकल के अभी गया है और चारों तरफ जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी ये अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने दें, शांति के साथ अपनी नमाज अदा करें और नमाज पढ़ के घर जाएं, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और जुमे की नमाज की वजह से भी आज जो है पुलिस बुरी तरह से हाई अलर्ट पे है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाइव टुडे के लिए फहीम खान, रामपुर। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है तमाम जिलों में। फहीम खान हमारे सहयोगी रामपुर से तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, आज जुमे की नमाज है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं रामपुर में देखने को मिल रही हैं सुरक्षा की? फहीम, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर दिल्ली के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें आज हाई अलर्ट पे है पुलिस। एडीजी राम कुमार यहाँ स्पेशल लखनऊ से भेजे गए हैं, वो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आज जिले में चप्पे चप्पे पे फोर्स मौजूद है। पुलिस लाइन में पुलिस को 6 बजे ही ब्रीफिंग की गई थी, जिसमें एडीजी और पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग करके पुलिस को ये बताया था कि वो शांति के साथ आज भी वैसे ही नमाज को अदा करते, सामान्य तौर पे हर शुक्रवार को होती है। तो पुलिस हाई अलर्ट में है, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है, किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी से आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। क्योंकि 21 सितंबर 2019 को रामपुर के अंदर हिंसा हुई थी, उस हिंसा में एनआरसी और सीए के विरोध में जो हिंसा हुई थी उसमें एक युवक की मौत हो गई थी, उसमें उसकी दर्दनाक मौत के बाद गोली लगने से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद में लगातार जो है यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा जाता रहा है हर जुम्मे को रामपुर के अंदर, लेकिन आज कुछ अलग से कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि दिल्ली जो सटा हुआ है 200 किलोमीटर है, उसकी हिस्सा को देखते हुए रामपुर को भी आज पूरी तरह से आपनी जैसी स्थिति बना दी गई है। यहाँ पे किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है और वो पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। जी फहीम, नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट है आज जुमे की नमाज। दिल्ली हिंसा के बाद लगातार प्रशासन जहां दिल्ली में फ्लैग मार्च निकालकर शांति की अपील कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के भी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।